तो यूपी के दो लड़के एक मंच पर फिर एक साथ आए। साल 2017 में गठबंधन की हार का खतरा भले ही दो लड़कों ने ये जोड़ी ने टाल ना पाई हो, लेकिन 24 में एक बार फिर बीजेपी को पटखनी देने का दम भर रही है। एक मंच पर आकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। इंडिया गठबंधन के दो लड़कों ने आज गठबंधन की महक कुछ यूं बिखेरी, एक साथ का जोश था या जनसैलाब की ऊर्जा। अखिलेश यादव को दोनों ने भर भर कर अपने बयानों के तर्कश से शब्द भेदी बाण चलाए। बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। बीजेपी की हार होने में केवल चार कदम बाकी हैं, केवल चार चरण। चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? कन्नौज में अखिलेश के साथ राहुल की मौजूदगी ने कई सियासी सवालों को सुलगा दिया है। कन्नौज की सियासत में भले ही साल 2019 में कमल खिल गया हो, लेकिन साल 1998 से ही इस सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल सरपट दौड़ती रही है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या गढ़ में वापसी के लिए अखिलेश को कन्नौज में राहुल की जरूरत है? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार इमरान बिन जफर को उतारा है। अखिलेश यादव भले ही पीडीए का फॉर्मूला देते हों, लेकिन कहा जाता है कि MY समीकरण ही उनकी जीत की मास्टर चाबी है। लेकिन कन्नौज में बीएसपी के एम फैक्टर ने एसपी के समीकरण को सकते में डाल दिया है। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। और आज की सियासी हलचल के बाद माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटर एकमुश्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करें, इसलिए कन्नौज में यूपी के दो लड़के एक साथ नजर आए। क्योंकि कुछ वोट भी छिटके तो कन्नौज का समीकरण बदल सकता है। 2019 में 21 साल बाद एसपी हारी थी। सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट पड़े थे। डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले थे। हार का अंतर महज 12,353 वोट था। पिछली बार कन्नौज में एसपी के साथ बीएसपी भी थी, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। इसलिए अखिलेश यादव की एंट्री के बावजूद बीजेपी कन्नौज में जीत का दावा ठोक रही है। दोनों लोग चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश यादव जी कन्नौज से हार रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से हार रहे हैं। कन्नौज में चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग है। जनता किसके दावों पर भरोसे की मुहर लगाएगी, इंतजार बाकी है। लेकिन चर्चा के शोर में सवालों की गूंज तेज है। क्या कन्नौज में साइकिल यूटर्न लेगी, या फिर एक बार फिर कन्नौज की फिजा में कमल की खुशबू बिखरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट।